हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में एक्साइज इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने फीमेल्स के लिए भी बात की है कि क्या क्राइटेरिया है फिजिकल टेस्ट का और किस बेसिस पर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना पूरा समझने के लिए। इस वीडियो में मैंने ओएच के लिए भी बात करी है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी, कि उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर जो कि अब जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, उसमें आप रिजेक्ट हो सकते हैं फिजिकल टेस्ट में, बट उसके दो रीजन्स हैं। पहला रीज़न हाइट। जनरली बहुत कम लोग रिजेक्ट होते हैं क्योंकि मेल्स के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 157.5 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 152। तो 5 फीट 2 इंचज मेल के लिए और 5 फीट फीमेल के लिए। तो गाइज, इस पोस्ट पर अगर आपकी इतनी हाइट है तभी आप एलिजिबल हैं, ये अपने दिमाग में बिठा लेना पहले ही। अगर आप ये इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो आपकी हाइट अगर इतनी है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है, पर अगर आपकी हाइट इससे कम है या इसके आसपास है तो ये भी जोन टू जोन वेरी करेगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है, तो पहले आप चेक करा लें कि आप कलर ब्लाइंड है या नहीं है जोन के डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन या डीवी में जाने से पहले, क्योंकि ये भी जोन टू जोन वेरी करता है कि वो कैसे आपका मेडिकल करवाते हैं। कुछ जोन होते हैं जो आपको सीएमओ के पास भेजते हैं अपने, या फिर कुछ होते हैं जो आपको बोलते हैं अपने घर से ही मेडिकल सर्टिफिकेट लाना। गाइज, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और ऊपर आई बटन पर मैंने ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पूरा समझाया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। दूसरा, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कैसे होता है और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए एसएससी में। तो पहली बात तो एसएससी लेता ही नहीं है कोई मेडिकल एग्जामिनेशन, कंडक्ट ही नहीं करता। मेडिकल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा, जैसे मैं पीछे बता रहा था कलर ब्लाइंडनेस में, कि सीएमओ या डीएमओ जो होगा उसको लेटर लिखा जाएगा। तो कुछ जोन होते हैं, जैसे बेंगलोर है तो अगर वो अपने यहाँ से कराए तो वहाँ से करा सकता है। मुंबई है, मान लो आपको बोल देते हैं कि आप अपनी स्टेट से सीएमओ से करवा के ला सकते हैं, तो उस केस में तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जैसा एसएससी से प्रिस्क्राइब्ड है वो भरवा कर ला सकते हैं, फिलअप करा के। बट अगर आपका उसी जोन में ही होता है तो भी ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नॉर्मल से टेस्ट होते हैं, एक्सरे वगैरह, ब्लड टेस्ट, कोई हर्निया वर्निया कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता इस पोस्ट के लिए, तो आप रिलैक्स रहना। आगे बढ़ते कि ये पहली बात तो ग्रुप बी की पोस्ट है, ऐसा नहीं है इनकम टैक्स की तरह ग्रुप सी की पोस्ट हो। दूसरा, इसका पेमेंट जो है 4600 ग्रेड पे है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अब मैं बताऊँगा आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि ये इसकी एज लिमिट क्या है, 30 ईयर्स, इसके लिए डिग्री की रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको पता ही है। मैं मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो जैसे मैंने बताया 157.5 है, जो कि 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल है, 5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, तो गढ़वालीज, असामीज, गोरखास या मेंबर है आप एसटी के, तो गाइज आपको 5 सेंटीमीटर्स की रिलैक्सेशन मिल सकती है। दूसरा, चेस्ट एक्सपेंशन। तो गाइज, चेस्ट अगर आपकी चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो फुली एक्सपेंडेड हो मिनिमम हो 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आप अपना देख लेना, क्योंकि चेस्ट के ग्राउंड पर भी हमने यहाँ पर एक कुछ लोगों को रिजेक्ट होते हुए देखा है। ओके गाइज, तो आप ये ध्यान रखना, चेस्ट के ग्राउंड पर भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। गाइज, सेम एग्जामिनेशन, सेम सब कुछ पीओ के लिए भी पोस्ट के लिए होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो आप ध्यान रखना अगर आप इस पोस्ट के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में क्या होता है मेल के, हम उसके बारे में बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट्स की फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। तो वॉकिंग होती है गाइज, वॉकिंग से मतलब वॉकिंग ही है, ऐसा नहीं कि आप सोचे रनिंग होती है, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी एक मील की, 15 मिनट में आपको भागना होगा, सॉरी चलना होगा। तो इसलिए रिलैक्स रहे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें कि भाई फिजिकल टेस्ट है, बिल्कुल रिलैक्स रहे, नॉर्मल सी वॉक होती है, ईजिली आप कर लेंगे। ऐसे ही साइकिलिंग 8 किलोमीटर होगी 30 मिनट्स में, तो आपको राउंड, सर्कुलर राउंड होते हैं जनरली हर जोन में, तो सर्कुलर राउंड जो होता है 1 किलोमीटर का होता है, तो ऐसे 8 राउंड आपको साइकिल चलानी होगी, जो कि बहुत ही ईजी है गाइस, बहुत ईजी। अगर आपने बचपन में साइकिल नहीं भी चलाई है तो आप अपने 2-3 महीने पहले में साइकिल चलाना सीख सकते हैं, जो कि आप 1-2 महीने में नॉर्मली सीख जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए सीबीएसई लेटर, इस फाइल नंबर और ये डेट के हिसाब से जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको सेम स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं हाइट, चेस्ट और वेट के लिए, जो प्रिस्क्राइब है इस पोस्ट के लिए। हालांकि उनको क्या चीज़ नहीं करनी है वो मैंने वीडियो में आगे बताया, तो आप वीडियो को एंड तक देखना।
कि उनके लिए क्या चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है। तो गाइज अब अगर हम बात करें फिजिकल टेस्ट के लिए फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स के लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं बता देता हूँ। फीमेल्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया है 152 सेंटीमीटर, जो मैंने पीछे बताया था 5 फीट, वेट होना चाहिए 48 के। गर्ल्स अगर आपकी हाइट 2.5 सेंटीमीटर कम है बट आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और 2 केजीज वेट के लिए मिलेगा। आपके लिए वॉकिंग होगी 1 किलोमीटर की, 20 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा जिसे, और साइकिलिंग 3 किलोमीटर्स की जिसे 25 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। तो ये बहुत ही सिंपल होगा, आप साइकिलिंग सीख सकते हैं अभी भी। 1 किलोमीटर के 3 राउंड लगाने होंगे आपको 25 मिनट में, जो बहुत सफिशिएंट टाइम है। जैसा मैं बता रहा था कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कि कोई भी वॉकिंग टेस्ट नहीं होगा और साइकिलिंग टेस्ट नहीं होगा ये कैटेगरी। तो गाइस सीजीएल 18 वालों को मैं सजेस्ट करूँगा कि इस पोस्ट को ऑप्ट करने से पहले डिटेल्स इसकी पढ़ ले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जैसा मैंने यहाँ पर बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ऑफिशियल का, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपने एक बार ये पोस्ट चूज़ कर ली उसके बाद एसएससी आपको दोबारा चेंज करने नहीं देगा अगर आप फिजिकली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हो। गाइज अगर मैंने इन्फॉर्मेशन आपको सही दी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।